हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनीता चौहान और आप सबको मेरी नमस्ते। आज हम बनाएंगे चिल्ली पनीर की रेसिपी। और मुझे चाइनीज़ चिल्ली पनीर पसंद नहीं है, इसलिए मैं देसी स्टाइल में बनाऊंगी। और इसे बनाने के लिए हमने ये लिए हैं, 2 बड़े प्याज लिए हैं, थोड़ा सा अदरक लिया है, 5 कली लहसुन के लिए हैं, 5 टमाटर लिए हैं और 250 ग्राम ये मैंने शिमला मिर्च लिए हैं और 500 ग्राम पनीर लिया है और ये मिर्च मसाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने कढ़ाई में तेल डाल लिया है और अब ये तेल जो है पक गया है। इसमें हम जीरा डालेंगे, अब हम लहसुन डालेंगे, और ये अदरक डालेंगे, और ये प्याज भी डाल देंगे। अब इनको सॉटे करेंगे। आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे और इसको ब्राउन करेंगे। अब हम इसमें जो है ये मिर्ची डालेंगे, शिमला मिर्च। अब हम ये टमाटर डालेंगे और इसमें मसाले ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच हरा धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक। अब हम इसको चलाएंगे। अब हम इसमें पनीर डालेंगे। धनिया डालेंगे, हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है चिल्ली पनीर की देसी स्टाइल में। देखिए, हमारी सब्जी तैयार हो गई है चिल्ली पनीर की। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, बाय। मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ।